जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ आशा भगवती व्रत विधि और व्रत की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत आशा भगवती का व्रत श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और ये पूरे 8 दिनों तक किया जाता है, यानी कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके 8 दिनों तक इस व्रत को अमावस्या तक किया जाता है। इस व्रत के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि थोड़ा गाय का गोबर, दूब 8 डब्बी, दूध 8 रुपये, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 ही काजल की टिकिया और 8 सुहाली यानी कि मैदा से बनी पपड़ी और 8 फल चाहिए होते हैं। तो व्रत प्रारंभ करने की तिथि से यानी कि अष्टमी तिथि के दिन रसोई के 8 कोनों में गोबर से लीपना होता है। आशा भगवती की कहानी सुनकर 8ों कोनों पर 8 दूध, 8 रुपये, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे और 8 काजल की टिकिया और 1-1 सुहाली चढ़ा दीजिए। 1 दीपक जलाएं और 1-1 फल, 1 सुहाग पिटारी सबसे आखिरी दिन चढ़ानी होती है। 8 दिन इसी तरह से पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालें और 8 वर्षों तक इस व्रत के साथ में पूजा करें और 9वें वर्ष इस आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 8 दिन तक आशा भगवती की पूजा करने के बाद 9वें दिन इसका उद्यापन कीजिए और तब उसी प्रकार से पूजा कीजिए। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दीजिए और पेड़ छूकर दक्षिणा दीजिए। आशा भगवती की पूजा के पश्चात कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो ये कहानी क्या है, आइए ये कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन बात है। हिमाचल नाम के एक राजा हुआ करते थे जिनके 2 पुत्रियाँ थी, एक का नाम था गोरा और दूसरे का नाम था पार्वती। एक बार राजा हिमाचल के दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सा सवाल आया, आखिर राज्य की जनता, सैनिक और राज परिवार के लोग किसके भाग्य का खाते हैं। ये सवाल उनके दिमाग में लगातार चल रहा था और इस सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने पार्वती और गोरा अपनी दोनों बेटियां को अपने पास बुलाया और उनसे यही सवाल पूछा, बताओ बेटा तुम किसके भाग्य का खाती हो। इस पर गोरा ने अपने पिता यानी कि राजा के भाग्य पर खाने की बात कही, जबकि पार्वती ने स्वयं के भाग्य के ही खाने की बात कही। पार्वती ने कहा, महाराज मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। पार्वती की बात सुनकर राजा हिमाचल को बेहद क्रोध आया और वो अपने मंत्री को बुलाकर गोरा के लिए अच्छे घराने का राजकुमार ढूंढने के लिए कहा और पार्वती के लिए एक भिखारी वर खोजने के लिए आदेश दे दिया गया। मंत्री राजा की सलाह पर राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा और मंत्री जब इस कार्य के लिए नगर में घूम रहे थे, नगर घूम रहे थे तो एक रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे। उसी रास्ते में भगवान शंकर भिखारी का रूप धारण करके बैठ गए। मंत्री को अपना कार्य आसानी से पूरा होता दिखाई दिया। उसने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ कर दिया और गोरी का विवाह एक सुंदर से राजकुमार के साथ तय कर दिया गया। हिमाचल ने कुछ दिन बाद ही विवाह का मुहूर्त निकलवा दिया। निश्चित तिथि को पार्वती और गोरा की बारात पहुंची। राजा ने गोरी की बारात का बहुत आदर सत्कार किया और बेहद धूमधाम के साथ विवाह संपन्न करवाकर ढेर सारा दहेज देकर उसे विदा कर दिया। वहीं जब पार्वती की बारात आई तो उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया। पिता ने कन्यादान करके पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर अपने कैलाश पर्वत आ गए। यहाँ आते ही उमा के साथ एक अजीब सी घटना घटने लगी। वो जहाँ भी पैर रखती वहाँ की घास गायब हो जाती। ऐसा देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इस दोष के निवारण का कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि पार्वती की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी और अपने पीहर जाकर उसका उजमन करती थी। इस दोष के निवारण के लिए उमा को भी, पार्वती को भी आशा भगवती का व्रत करके उजमन करना होगा। पंडितों की आज्ञा के अनुसार भोलेनाथ एवं पार्वती जी सज धज कर हिमाचल के राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते चलते उन्हें एक कन्या को प्रसव पीड़ा से कराहते हुए सुना। तब पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ बच्चा होने में बड़ी पीड़ा होती है, आप मेरी कोख बंद कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती को ऐसा नहीं करने के लिए समझाया मगर पार्वती मानी नहीं। थोड़ी दूर चले एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था जिसमें घोड़ी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो घोड़ी दर्द से तड़प रही थी। अब तो पार्वती हट करने लगी, बच्चा होने से दर्द होता है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, कृपया करके मेरी कोख बंद कर दीजिए। शिव जी ने कहा, ऐसा मत करो तुम्हें फिर पछताना पड़ेगा। मगर वो महादेव की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और आखिर महादेव को कोख बंद करनी ही पड़ी। उधर गोरा अपने ससुराल में बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। जैसे ही शिवजी समेत पार्वती हिमाचल के दरबार में पहुंची तो वे उन्हें पहचान न सके। पार्वती ने जब अपना नाम बताया तो राजा रानी दोनों देखकर बेहद प्रसन्न हुए। तब राजा को फिर से अपनी कही पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने फिर से पार्वती से पूछा, बताओ बेटी, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो।
तो पार्वती ने फिर वही उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों से मिलने चली जाती है। तो वो आशा भगवती का व्रत रखकर उजमन कर रही होती है। तब पार्वती बोलती है, मेरे उजमन की आपने कोई तैयारी नहीं की, वरना मैं भी इस व्रत का उजमन करती। तब भाभियाँ उन्हें ताना देते हुए बोली, हे पार्वती, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? भोलेनाथ के कहने मात्र से ही तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तब पार्वती ने शिवजी को आशा भगवती के व्रत का उजमन करने की बात कही तो शिवजी ने पार्वती को एक मुंदड़ी भिजवाई, यानी कि एक अंगूठी भिजवाई और कहा, तुम इससे जो भी चीज़ मांगोगी वो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। पार्वती ने उस मुंदड़ी से उजमन का सभी सामान मांगा तो उन्हें सारा सामान मिल गया। भाभी ये देखकर चकित रह गई। पार्वती, हम पिछले 8 महीनों से इस व्रत को कर रही हैं और उजमन की तैयारी कर रही हैं, मगर आपने सब कुछ इतने कम समय में कैसे कर लिया? सभी ने मिलकर बड़े धूमधाम के साथ उजमन और व्रत किया। हिमाचल ने पार्वती के लिए विशेष भोज का आयोजन किया। हिमाचल ने शिव पार्वती के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया। कई तरह के पकवान तैयार किए गए। सब्जी को छोड़कर सभी भोजन सामग्री शिवजी ने खा ली। पार्वती ने केवल बची हुई सब्जी खाकर पानी पीकर ही काम चलाया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे उन्होंने पड़ाव लिया। उसी वक्त शिवजी पार्वती जी से कहने लगे, देवी, हे देवी, तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती ने कहा, भगवान, जो आपने खाया है वही मैं खाकर आई हूँ। शिवजी सब कुछ जानते थे। उन्हें पार्वती के इस झूठ पर हंसी आ गई और कहने लगे, क्यों झूठ बोल रही हो देवी, तुम सिर्फ बची हुई सब्जी और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती बोली, हे त्रिलोकीनाथ, आप सब कुछ जानते हैं, आगे कुछ ना बताइए। मैंने हमेशा अपने पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है और ससुराल की इज्जत मैं पीहर में रखती हूँ। आपने जिस प्रकार मेरा भेद खोला है, कृपया भविष्य में किसी का भेद ना खोलें। शिवजी ने वचन दिया और कुछ समय विश्राम करने के बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। अब पार्वती के पेड़ जहाँ जहाँ सूखी घास पर पड़ते वो घास फिर से हरी होने लगी। कुछ ही दूर चलने पर पार्वती जी देखते हैं कि एक घोड़ी का बच्चा खेल रहा था। ये उसी घोड़ी का बच्चा था जो पहले प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर कष्ट झेल रही थी। उस बच्चे को देखकर पार्वती ने अपनी कोख को खोलने के लिए निवेदन किया, बच्चा बड़ा सुंदर होता है, हे भोलेनाथ, हे शिवजी, कृपया करके मेरी कोख को फिर से खोल दीजिए। शिवजी बोले, हे देवी, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था कि कोख बंद मत करवाइए, मगर आप मानी नहीं। कुछ देर बाद उन्हें यमुना का पूजन करते हुए एक महिला दिखाई दी। पार्वती ने कौतूहल से पूछा, ये महिला कौन है? तब शिवजी बोले, हे देवी, ये वही महिला है जो प्रसव पीड़ा को झेल रही थी, अब इसे लड़का हुआ है और इस कारण ये यमुना पूजन कर रही है। तब पार्वती ने फिर शिवजी को अपनी कोख खोलने के लिए कहा। पार्वती की हट देखकर शिवजी उनके मेल से गणेश जी बनाते हैं और उसके बाद उन्हें भी यमुना का पूजन करवाते हैं। इसके बाद पार्वती ने कहा कि मैं तो अपना सुहाग बांटूंगी, जिसे लेना हो वो ले जाए। और इस तरह मृत्युलोक से इंसानों की सुहाग लेने के लिए होड़ लग गई। पार्वती ने सभी को सुहाग दिया। कुछ समय बीतने के बाद वैश्य और ब्राह्मण स्त्रियां भी सुहाग लेने के लिए वहां पहुंची, मगर वो देरी से आई थी। तब शिवजी ने पार्वती को भी उन्हें सुहाग देने के लिए कहा। उस समय पार्वती कहने लगी, हे नाथ, मैं तो अपना संपूर्ण सुहाग बांट चुकी हूँ। और इस पर शिवजी कहने लगे, इनको थोड़ा बहुत सुहाग तो देना ही होगा। तब देवी पार्वती देरी से आई उन स्त्रियों को निराश नहीं करके उन्हें थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। और हे शिव पार्वती, जिस तरह आपने सभी स्त्रियों को सुहाग दिया है, उसी प्रकार आशा भगवती व्रत करने वाले सभी स्त्रियों को भी सुहाग देना। इस कहानी को सुनने वाले को, इस वीडियो को देखने वाले को, सभी को, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी आशा भगवती की पारंपरिक प्राचीन कहानी। आशा है आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। तो यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।